Look at that fall. Look at that. Wow. आज है बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छा कोहरा देख सकते हैं आप, पूरा फॉग से भरा हुआ है। और मैं आज जा रही हूँ कैब से। इतनी ज़्यादा ठंड, ज़्यादा ठंड की मैं बता नहीं सकती, तो मैंने कैब से ही जा रही हूँ क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ रही मेट्रो से जाने की। It's like too much cold. मेरी कैब अभी आ रही है। सही टाइम पे कैमरा फ्लिप नहीं होता, but it's too cold and you can see I'm going to my office. पहुंच गई हूँ और एयरपोर्ट से शूट कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि क्या कैसा साउंड आता है, सो दैट आई कैन do it further through my AirPods. और मेरे नेल पेंट का कलर आप देख सकते हैं, इट्स टू गुड। बाकी पकौड़े शकौड़े बनाइए, खाइए, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। टाइम पे लोग बहुत कम हैं, बट मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या ली। दिस इज़ फ्रॉम हाराजुकू। हाराजुकू एक जापानीज़ बेकरी है जो कि सेलेक्ट सिटी वॉक में है, तो मैंने वहाँ से ले लिया है। आज घर में जाके आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या है। एक क्रीम रोल है तो क्या। और अभी अपनी ट्रेन का वेट कर रही हूँ, आ रही है सामने से। और यार कल है सैटरडे, आज है फ्राइडे, तो कल के दिन कुछ ना कुछ तो एक्साइटिंग करूँगी और दिखाऊँगी। तो मिलती हूँ अब आपसे कल। आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय। और अगर बोर कर रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बता देना, पर डिसलाइक मत देना। एंड और इस वाली ट्रेन में मैं नहीं चढ़ी क्योंकि इस वाली ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बिल्कुल भी जगह नहीं है बैठने के लिए, तो मैं इस वाली ट्रेन में नहीं चढ़ी। बट अब जो नेक्स्ट आएगी वो शायद खाली आएगी। सॉरी अगर आपको नॉइज़ आ रही थी, देखो पीछे मेट्रो जा रही है। और जो नेक्स्ट वाली आएगी मैं उसमें चढ़ जाऊँगी। और बस यही बताना था, वापस मिलती हूँ कल, बाय। गुड मॉर्निंग, आज है सैटरडे का दिन और मैं पी रही हूँ चाय। बहुत लेट हो गया आज उठने में, और अभी शायद कितने 10:30 हो रहे होंगे। और अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद मुझे कहीं पर बाहर जाना है और कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि व्हाट ऑल थिंग्स आई यूज़ ही कर लेती हूँ एक्चुअली. तो अभी मैं नहा कर आई हूँ और मैं फेस के लिए यूज़ कर रही हूँ एक्वालॉजिका का रेडियंस मॉइस्चराइज़र. दिस इज़ विद वाटर मेलन एंड नियासिनामाइड. ये इल्यूमिनेट करता है और हाइड्रेट करता है और इसमें यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी है जो कि मुझे नहीं पता क्या है. तो ये है ये इस तरह ही बॉटल. और इसका पूरा रिव्यू जो है वो मिलेगा जो मेरे स्किन केयर वाले वीडियोस आते हैं उस पर. बहुत जल्दी शूट करूँगी फिर दिखाऊँगी. अभी तो ये लगा रही हूँ. सो बट ये अच्छा है, लाइक बहुत अच्छा है क्योंकि ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं करता एंड इट्स जेल बेस्ड सो काफ़ी अच्छा है. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन. सनस्क्रीन के लिए ये वाला सनस्क्रीन है. इसका ये सब हट गया है बट मैं बता दूँगी कौन सा है. इसका वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर. ये है नेक्यूसोल ऐसे करके कुछ है बट बहुत अच्छा है. ये अमेजोन पर आपको मिल जाएगा पर अभी ये शब्द ख़त्म होने वाला है क्योंकि आता नहीं है. सनस्क्रीन थोड़ा आपने अच्छी क्वांटिटी में ही यूज़ करना है बिकॉज सनस्क्रीन इज मच नीडेड. दो मैंने यहाँ पे कमी लगाया है. मिरर भी लाई थी यार. बहुत फैट हो गया है स्किन पे. इट्स लाइक रिड्यूस करना पड़ेगा. बाय द वे आपने मेरे एक जिम का भी क्लिप देखा होगा. तो आई एम गोइंग टू द जिम. थोड़ा रेगुलर कर लिया है आजकल बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. दिन भर आपकी कोई अगर एक्सरसाइज नहीं होती है तो फिर आप आधा घंटा ऑफ जिमिंग इज इनफ. इनफैक्ट वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग इज इनफ अगर जिम नहीं जा पा रहे तो. और मेरी मूछें आ रही हैं देखो कितना शाइनी सनस्क्रीन है ये. अपवर्ड लिफ्ट करिए फेस को हमेशा कुछ लगाने के साथ साथ. फर्मनेस रहेगी थोड़ी ऐसा मुझे लगता है. इसके बाद अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं. मतलब मैं ये यूज़ करती हूँ ओले का नेचुरल ऑरा इंस्टेंट यूवी विद यूवी प्रोटेक्शन. तो ये भी अच्छा है. ख़त्म होने वाला है. मैंने दूसरा ऑर्डर किया है आ चुका है जो कि. बट पहले मैं इसको पूरा ख़त्म करूँगी एंड देन इतना इनफ है. अच्छे से लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिप्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये. बाय द वे ये जस्ट स्किन केयर है, ये मेकअप नहीं है. मैं बाहर जाऊँगी तब करूँगी थोड़ा बहुत. रुको आपको सन में दिखाती हूँ थोड़ा. के बाद शोर एंड शोर सब जगह शोर. इसके बाद आती है बारी बॉडी केयर की. तो मैं यूज़ करूँगी पैरों के लिए ये विच इज़ अवीनो डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन आफ्टर नेचुरल के साथ. ये वाला पैरों के लिए लास्टली हाथों के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये विच इज़ बाय अरे मैं भूल गई
बाथ एंड बॉडी वर्क्स, बाथ एंड बॉडी वर्क्स का 1000 विशेज बॉडी लोशन, वेरी वेरी हाइड्रेटिंग और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है. आई हैव एक्चुअली बॉट इट बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस ओनली. और पैरों को ना मॉइस्चराइज करने के बाद आप सॉक्स वगैरह पहन लो, बिकॉज ठंड में थोड़ा सा ठीक रहता है सॉक्स पहनना. बाल भी मैंने थोड़े से सुखा लिए हैं. बालों में जनरली कुछ लगाती नहीं हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि सुबह ऑफिस जाना होता है, तो जल्दी मैंने कुछ लगाती नहीं हूँ, बट आज मैं लगाऊंगी. तो पहले मैं सॉक्स पहन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ. ये है लॉरियल का प्रोफेशनल पैरिस लिस अनलिमिटेड, ये सीरम है. ये मैं कहाँ देखती हूँ यार, ये सीरम है और ये मैं अपने बालों में आज लगा लेती हूँ, क्योंकि आज टाइम है और मुझे बाहर भी जाना है. बाहर का आपको जितना दिखा पाऊँगी उतना दिखाऊँगी, एंड सब कुछ नहीं दिखाऊँगी. और चलिए लगाते हैं ये. के बाद आपके बाल ना थोड़े से सेटल्ड लगते हैं, लाइक जब आपके बाल सूख भी जाते हैं तो रूखे रूखे नहीं लगते. इट्स लाइक एक हल्का सा शाइन, और एक आप कुछ भी ना स्टाइल दे सकते हो बालों को, तो बाल आपके वैसे ही रहेंगे. एंड एक्चुअली में ये होता है, लाइक मैंने आजमाया है. तो यस, आप जिस तरह से स्टाइल करेंगे बाल आपके पूरे दिन वैसे ही रहेंगे. तो इसलिए थोड़े से शाइनी स्मूथ अच्छे लगते हैं, कॉम करने में भी झड़ते नहीं. और तेज चला लो यार, लोगों को क्या है यार, इतना नॉइज पोल्यूशन, इतना नॉइज पोल्यूशन. साइलेंसर खराब है तो साइलेंसर ठीक करा लो. कभी कितना नॉइज है यार. एक तो यहाँ पे इंडिया में हॉर्न इतना मारते हैं लोग यार. हॉर्न क्यों, मतलब फ्री का मिला हुआ है इसलिए तुम हॉर्न मारोगे यार. क्या फ़ायदा है हॉर्न मारने का, आगे वाला बढ़ेगा तभी तो तुम आगे बढ़ पाओगे भैया. वो थोड़ा उसको शौक थोड़ी ना है रोड पर. ये देखो एक और से कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन वैसे इतना हो रखा है, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, पता नहीं क्या पागल कंपनी. तो यस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो बाल थोड़े से स्मूथ एंड शाइनी हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं. हाँ यार, तुम ही बजा लो यार. प्लांट एक स्टिक, उसको एलोवेरा निकाल लो, जेल निकाल लो उसका. जेल निकालने के बाद उसमें वो कर लो, उसमें विटामिन ई की 4 टैबलेट डाल दो और उसमें वो डाल दो कैस्टर ऑयल की 1-2 चम्मच. कैस्टर ऑयल, हाँ कैस्टर ऑयल. फिर उसमें उसको ग्राइंड कर लो, ग्राइंड करके एक बॉटल में रख दो फ्रिज में. और जब भी तुम्हें करना हो जैसे नहाने से 10 मिनट पहले, थोड़ा अपने जैसे बॉयज के लिए ज़्यादा अच्छा है, कोई टेंट है हो, कोई कुछ वो हो उसमें सर में तो इन्फेक्शन हो कुछ हो, तो उसको ऐसे जेल की तरह लगा दो पूरे. भीड़ देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है. लास्ट तक अगर आ गई हूँ बड़ा दे दो भैया साने पर. नहीं भैया इससे एक बड़ा आएगा. ये तो नहीं ज्यादा अच्छा है ना कि सही है, पर कंफर्टेबल है मम्मी. हाँ हाँ ले ले. हाँ ये वाला तो ले लेती हूँ. देखो आप भी पहन के. ना ना मैं नहीं पहनूँगी.
250 लेदर काट तो भाई नहीं भाई बीस दिया लेदर है नहीं कि है है वही वाला पीस दिया आपने कल वाला दिखा बाद में नहीं वो थोड़ा सा गंदा था ना भैया ये थोड़ा सा गंदा है ना कब तक चलेगा कोई और है यही पीस है साफ हो जाएगा और एक और लिया है तो वो का है हाँ ब्लू शॉप नंबर है अंदाज और इससे मुझे ये वाला सूट पसंद आया है ये जो ये वाला है ग्रीन नॉट रेड रेड ग्रीन तो ये वाला सूट पसंद आया है लेकिन अभी मुझे और एक्सप्लोर करना है पर अगर मुझे कोई नहीं मिलेगा तो फिर मैं ये वाला लूँगी बट और भी वहाँ पे बहुत अच्छा चलो जब बता दे वो घर लेना तो हमने खा लिया खिचड़ी अब हम जा रहे हैं दृश्यम 2 हमने खा लिया खिचड़ी खाली खिचड़ी अब हम जा रहे हैं फिल्म देखने शायद बचा हुआ ना खिचड़ी नहीं तो खिचड़ी हमने खा ली है खिचड़ी का वीडियो इस आपको नेक्स्ट क्लिप में दिख जाएगा खिचड़ी का डाला तूने अरे अभी फोटो डाल के ग्रुप में तो डाल रहे थे कि हमने देखा हाँ तो खिचड़ी का फोटो कह रही थी खिचड़ी की वीडियो आपको नेक्स्ट क्लिप में दिख जाएगी और अब आपसे मिलूंगी कल तब तक के लिए बाय